अगर एनर्जी लो फील कर रहे हो या काम करने में या कहीं पे मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए? तो रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट ने जो टिप्स बताई है ऐसी सिचुएशन में वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो रिसर्चर्स बताते हैं कि अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो आप क्या फील कर रहे हो वो फीलिंग को आपको नाम देना है, राइट। दूसरा, बहुत ज़्यादा ये पाया है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्शन लेने की जगह पे ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं कि क्या होगा, ओके ये बराबर नहीं है, परफेक्ट नहीं हुआ है, या लोगों को क्या लगेगा, अभी तो मूड नहीं है। तो हम एक्शन ना लेके ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं और ये वजह भी होती है जिससे हमें काम करने का मोटिवेशन नहीं मिलता है। पर जो लोग भी सक्सेसफुल होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसी भी फीलिंग हो, जो भी कुछ हो, लेकिन वो आपका माइंड का ना सोच के, ओवर थिंक ना करके छोटे छोटे एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये करना है। थर्ड जो टिप्स है जो साइकोलॉजी सजेस्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो भी एक मशीन की तरह काम करता है, वो भी थकता है, शट डाउन होता है, स्लो होता है। तो हमें थोड़े थोड़े इंटरवल पे उसे आराम देना है। जैसे ही थोड़ा हमने उसको आराम देते हैं वो रिफ़्रेश हो जाता है, फिर वो अच्छे से काम करता है। तो जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है तो हम उसको चार्ज करते हैं, तो वैसे ही हमें हमारे ब्रेन को भी आराम देना है। तो ये थर्ड टिप्स है कि ब्रेन को हमें आराम देना है। फोर्थ ये है कि हमें फ्लो स्टेट में जाने की कोशिश करनी है। और फ्लो स्टेट में जाना मतलब क्या, तो आप देखो कोई सिचुएशन ऐसी होगी जो आप शुरू करते हो और वो शुरू करने के टाइम आप उसमें खो जाते हो, आप भूल जाते हो, और कितना भी टाइम हो जाए आपको पता नहीं चलता है, आप थकते भी नहीं हो और आप वो जो भी वर्क कर रहे हो उसमें खो जाते हो। तो इसको बोलते हैं फ्लो स्टेट। कैसी कैसी जगह पे ये आपने ऑब्जर्व किया हो सकता है, तो अगर कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, आर्ट के रिलेटेड वर्क हो, जिम में गए हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, उस टाइम आपने देखा होगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, वो जो वर्क कर रहे हो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हो। तो ये चीज़ अगर आप फ्लो स्टेट में जाते हो ना तो भी आपको फिर वो मोटिवेट होने में या फिर आपको एनर्जी आप फील नहीं कर रहे हो तो उसमें आपको हेल्प करेगा, राइट। फिर ये बता रहे हैं कि हमें डिस्ट्रेक्शन से सोशल मीडिया या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी आजू बाजू है तो उसको कट डाउन करना पड़ेगा। डीप ब्रीदिंग हम कर सकते हैं या तो फिर मोबाइल और जो भी सारी गैजेट है उसको बंद करके, बस आँख बंद करके हल्का सा माइंडफुल मेडिटेशन हम कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे ही नेचर के वॉक में जा सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी भी आपको खुद के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगी और थोड़े टाइम के बाद जब ऐसा आप करोगे, फील फील होगे, तो आपको फिर मोटिवेशन भी आप पाओगे। फिर है, रिसर्चर्स ये बता रहे हैं कि मल्टीटास्क ना करके एक ही चीज़ पे फुल्ली फोकस करके आप अगर काम करते हो तो भी आप अच्छे से मोटिवेटेड फील करोगी, आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा जगह पे फिर डिस्ट्रीब्यूट ना होके एक ही जगह पे रहेगी। तो हम मल्टीटास्किंग ना करके एक ही जगह पे फोकस करेंगे। और लास्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टिप्स है जो रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट हमें सजेस्ट करते हैं कि अगर हम कोई काम में मोटिवेट फील नहीं कर रहे हैं या एनर्जी लो फील कर रही है तो वो है कि हमें स्मॉल और अचीवेबल गोल सेट करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हमारा डोपामिन भी हिट होता है और हम स्मॉल विन को सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, हम परफेक्शनिस्ट की या इतना बड़ा गोल बना देते हैं और फिर वो गोल अचीव करने में हम थक जाते हैं। तो इसलिए ये लोग सजेस्ट करते हैं कि हमें डिज़ायरेबल स्मॉल स्मॉल विन्स बनाना है, गोल बनाना है और उसके ऊपर काम करना है। तो आई होप ये जो रिसर्चर्स ने और साइकोलॉजिस्ट ने जो टिप्स बताई है वो आप अपने डेली रूटीन की लाइफ में, जब भी आप डाउन फील करो, कुछ काम करने का मोटिवेशन नहीं ऐसा फील करो, तो ये टिप्स अपनाना और देखो कि कैसे अच्छे से आप एनर्जी में आ जाते हो और मोटिवेटेड फील करने लगते हो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।